आइए जानते हैं परिणीति चोपड़ा के होने वाले पति के इन चौंकाने वाले सच के बारे में जिसे कोई नहीं जानता। परिणीति से सगाई के बाद राघव चड्ढा अब सुर्खियों में हैं। राघव चड्ढा एक इंडियन पॉलिटिशियन हैं और आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। वह पंजाब से राज्यसभा के सबसे कम उम्र के सांसद हैं। इसके अलावा वह दिल्ली वाटर बोर्ड के पूर्व वाइस चेयरमैन भी थे और 2022 तक दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। राघव चड्ढा और धर्म। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में हुआ था और उनके इस दुनिया में आते ही उनके परिवार वालों ने गोल्डन टेंपल में चढ़ावा भी चढ़ाया था। वहीं उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से की थी। कितने पढ़े लिखे हैं राघव चड्ढा। राघव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वह स्नातक की पढ़ाई करने के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी भी करते थे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए राघव ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में प्रोफेशनल डिग्री हासिल की थी। लेकिन वे यहां तक नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव MBA में सर्टिफिकेशन कोर्स किया था। लाखों रुपए सैलरी की नौकरी। लंदन से आने के बाद राघव तुरंत राजनीति से नहीं जुड़े थे, बल्कि डेलॉयट, श्याम मालपानी और ग्रैंड थॉर्नटन जैसे बड़ी कंपनियों में ऊंची सैलरी पर काम किया था, जिसके बाद 2011 में राघव भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुए थे। आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी और तब से राघव आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन गए थे। क्यों और कैसे आए थे राजनीति में? केजरीवाल ने ही उन्हें 2012 में दिल्ली लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जो उनका पहला राजनीतिक कार्य भी था। उन्होंने खुद को आपके टीवी चेहरे के रूप में धीरे धीरे इसी तरह स्थापित किया था और आपके सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन बन गए थे। कैसे पॉलिटिक्स के शीर्ष पर पहुंचे? उन्होंने 26 साल की उम्र में भारतीय राजनीति में कदम रखा था और आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2015 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। उसी वर्ष उन्हें पार्टी के नेशनल ट्रेजरर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। 2016 में राघव को दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के सलाहकार का पद भी दिया गया था। वहीं 2020 में आपके नेता के रूप में उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आप पंजाब का को इंचार्ज नियुक्त किया गया था। उन्हें पंजाब में आपकी शानदार जीत के बाद से आम आदमी पार्टी के को आर्किटेक्ट के रूप में भी पहचाना जाता है। अगर उनकी परिणीति के साथ रिश्ते की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति और राघव ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक साथ पढ़ाई की थी और तब से वे रिश्ते में हैं।